जस्सी जैसी कोई नहीं। अंजलि, ये सब क्या है? ब्रदर, ये सब जस्सी के लिए है। मैं जाकर उसे अपने हाथों से दूंगी और अपनी गलती की माफी मांगूंगी। माफी मांगने के लिए? हाँ, मुझे क्या जरूरत पड़ी थी कि मैं उसके घर पे गई और उससे और उसके माँ बाप से मैंने ये कहा कि आप शिफ्ट हो जाइए, हमारे घर के पास आ जाइए। I'm such an idiot। मैं खाली अपने ढंग से सोचती हूँ, मैं कभी ये नहीं सोचती कि दूसरा क्या महसूस कर रहा है। पर पता, मैंने ये सब तो सिर्फ हम सबकी खुशी के लिए किया था। मैं चाहती थी कि सब लोग नजदीक आ जाए। सिस्टर, लुक, आई एम रियली सॉरी। मैंने सब गुस्से में कह दिया था। तुम जानती हो ना क्यों? मुझे लगा मेरी खुद की बहन ने मुझसे झूठ बोला। मैंने झूठ नहीं बोला था, मैंने झूठ बिल्कुल नहीं बोला था। हाँ, समझने में कुछ डिफरेंस हो गया होगा, बट मैंने झूठ नहीं बोला था। आई एम सॉरी। माय क्यूट लिटिल सिस्टर, तुम जानती हो कि बचपन से लेकर अभी तक तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। जो एक चीज तुम्हें चाहिए वो चाहिए, लेकिन किसी से कुछ भी कहने से पहले तुम उससे पूछ सकती थी, है ना? तो सॉरी बोला ना, और मैं जाके जस्सी से भी सॉरी बोल दूंगी। जस्सी से सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। उसने मुझसे साफ साफ कहा है कि उसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। इसका मतलब है उसने मुझे माफ कर दिया? उसने आपको माफ कर दिया। और आपने? मैंने तुम्हें माफ कर दिया। I love you। अरे, मैं आपको एक चीज बताना ही भूल गई। ये एनवेलप आया था किसी लॉयर के यहाँ से। I'm sorry, मैं थोड़ा डर गई इसलिए मैंने खोल के पढ़ लिया। नहीं, कोई बात नहीं, it's okay। You know, it's vague। इसमें एक प्रीनप बॉन्ड है। I never knew कि आप प्रीनप में इतना विश्वास रखते हैं। ये है तो आपके तरफ का, लेकिन सारे क्लॉसेस जस्सी को बहुत फेवर करते हैं। ये प्रीनप आ तो गया, लेकिन इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। यू नो, जिस तरीके के ये लोग हैं ना अंकल, बहुत ज़्यादा रीति रिवाज और ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। इसके बारे में बात करना तो दूर, फिलहाल मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। जस्सी एक समझदार लड़की है, आप उससे जाके समझाइएगा, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप इस पे साइन कर दीजिए। मैं इस पे साइन कर दूँ? हाँ, और इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, मैंने पढ़ लिया, सब कुछ ठीक ठाक है इसमें। नाउ साइन दिस एंड मेक जस्सी द मोस्ट हैप्पीएस्ट वुमन इन द होल वर्ल्ड। अरे बेबे, हाँ, ये क्या पहना दिया उन्होंने आपको? अरे तू भी कुछ कम नहीं लग रही है। हेलो अरमान, अरमान अगर अभी तुम यहाँ होते ना तो तुम्हें पता चलता कि यहाँ पे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। जस्सी, मुझे तुमसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। अरमान, मुझे लगता था कि सिर्फ मैं बदली हूँ, लेकिन यहाँ तो मेरे पूरे परिवार का ही मेकओवर हो गया है। पर अरमान, यहाँ पे सब बहुत ज्यादा बिजी हैं। अब जो हमारी बात होगी ना वो सगाई के बाद ही होगी। जस्सी, मुझे तुमसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। तुम हमारी सगाई से भी ज्यादा? नहीं जस्सी। तो तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मेरी मत करो, मेरे घर वालों की मत करो, गुलमोहर की भी मत करो। मैंने नंदू को बोला है गुलमोहर का अच्छे से ख्याल रखने के लिए, और देखना वो मेरी कंपनी को बहुत अच्छे से चलाएगा। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके ओके, बाय। आई नो ब्रदर, दिस ऑल ऑफ अ सडन, और तुम्हें थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। अगर तुम्हें टाइम चाहिए तो तुम ले सकती हो, बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये सब जस्सी के भलाई के लिए है, और अगर तुम उसे सच्चा प्यार करते हो तो तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दोगे। मां आज वो दिन आ गया अरमान, जब हम सारी बीती बातें भुलाकर एक नई जिंदगी में कदम रखेंगे।
एक दूसरे से नए वादे करेंगे हम। तू तो बड़े शौक से तैयार हुआ है, हाँ? लगता है सारे अरमान आज ही पूरे कर लेगा। तो फिर हमें भी तो जरा आराम से तैयार हो लेने दे। हाँ बेबे, आज सगाई है, कुछ दिनों में उसकी शादी भी हो जाएगी। अपने घर चली जाएगी बेबे, वो ये घर सोना हो जाएगा। बिल्लू देख, आज के दिन मत रुला, आज इतना बड़ा खुशी का दिन है। मैं तो बहुत खुश हूँ बेबे, देख कितना मुस्कुरा रहा। सब ऐसे कितने लोग मुझे बधाइयां दे रहे हैं। देख सभी तो अमेरिका वाले बल्ली पटेल के कपड़े पहन रखे अपनी बेटी की खुशी के लिए। यही सब कुछ तो है हमारा, हमारी बेटी की खुशी, और कुछ नहीं। हमारी जस्सी को अरमान से अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता। इसी बात की तो खुशी है मुझे बेबे। बेबे लगता है जस्सी ने जो भी फैसला किया अच्छा किया, वो बहुत प्यार करती है अरमान से। और वैसे भी बेबे सारे रिश्ते सच्चाई पर चलते हैं, सिर्फ यही है खुशी है जो कि मेरे आंसू रुके हुए बेबे। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, तैयार हो तुम लोग जाकर? हाँ हाँ, थोड़ी देर और इंतजार करना, बस हम अभी आते हैं। हाँ मौली, मैं गुलमोहर से निकल रही हूँ, जस्सी के सारे पेपर्स हैं मेरे पास, मैं सब तुम्हें भिजवा देती हूँ। हाँ अगर ठीक ना लगे तो मुझे बताना। ओके बाय। अबे चश्मिश कहीं के, तेरे चश्मे का पावर ठीक नहीं है क्या? सॉरी एंजल जी, गलती हो गई, आप जल्दी में है क्या? How dare you ask me any question, you clumsy oaf, and don't touch my papers. Stop it, idiot. बेबी क्या हुआ? क्या देख रही हो? जी भर के देख लेने दे, आज कितनी सुंदर लग रही है तू आज। हम सबने कितने सपने देखे थे इस दिन के लिए, जब तेरी शादी तय होगी, और आज वो दिन आ गया है। मैंने सोचा था कि आज के दिन मैं बहुत रोऊंगी, लेकिन मुझे आज सिर्फ खुशी महसूस हो रही है, सिर्फ खुशी। मामा क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? बेटी मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना ये एक्सपेंसिव डायमंड वाला नेकलेस पहनूँ या कुछ मामूली सा पहन लूँ। इसमें सोचने की क्या बात है मामा, टुडे इज द डे, आपको जो पहनना है वो आप पहनिए। ओके लेकिन मुझे बहुत ऑड लगेगा आज उस मिडिल क्लास फैमिली को हमारे सारे फ्रेंड सर्कल में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, हमारे बिजनेस पार्टनर्स से मिलाना पड़ेगा, उनके साथ खड़े रह के हमें फोटोग्राफ्स लेनी पड़ेंगी। आई टेल यू एंजल, मैं इतने एक्सपेंसिव गहने पहनूंगी और वो ईला सूरी के इन-लॉज पहनेंगे इमिटेशन ज्वेलरी। फ्यूचर इन-लॉज मामा, देयर इज अ डिफरेंस, और यही डिफरेंस हमें पूरी दुनिया को बताना है। आज तो हमें उन्हें उनकी औकात दिखानी है। एंजल तुम जानती नहीं हो मैं सुबह से कितनी डिप्रेस हूँ, प्लीज अगर तुम्हारे पास कोई प्लान है तो बताओ ना मुझे। क्या तुम्हारे प्लान से सचमुच ही एंगेजमेंट टूट जाएगी? 100% रुक जाएगी माँ, जस्ट अ लिटिल गर्ल। एंजल यू हैव टू टेल मी। बताती हूँ। ओके मैंने सोचा कि दैट्स अ ब्रिलियंट प्लान। बेबे ये क्या पहना हुआ है? अरे पहचान तो मैं भी अपने आप को नहीं पा रही हूँ नंदू, पर उस दर्जी ने हुक्म दिया है तो पहनना तो पड़ेगा ही ना। अरे दर्जी नहीं, डिजाइनर। हाँ जो भी है,
खुद भी किसी डिजाइन से कम नहीं है मां। हाँ, पर ये क्या, तू अभी तक तैयार ही नहीं हुआ? अरे बेबे, मैं तो पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। ये देखो, ये तेरे कपड़े हैं? अरे हा? नहीं, इसमें तो वो तैयारी है जो अरमान ने जस्सी के लिए की है। बहुत बड़ा सरप्राइज है। दिखा, दिखा, दिखा। आपके लिए थोड़ी ना है, अरमान ने जस्सी के लिए खास मेरे हाथों भिजवाया। अंदर क्या है ये नहीं पता। अच्छा, तो देखू तो। बेबे क्या है आपको? अरे होगी इसमें मॉडर्न जमाने की कोई मॉडर्न बातें, कोई मॉडर्न सा तोहफा होगा। मैं तेरे से ज्यादा मॉडर्न हूँ, ला दिखा। अरे मैं देखू तो। अरे नंदो, ये क्या? पर तू तो कह रहा था कि, पर ये तो वो नहीं है जो। लेकिन ये है क्या? और अगर तू इसे नहीं जानता तो तेरे हाथ में आया कैसे? मुझे तो ये कोई गिफ्ट नहीं लगता, ये तो कोई सरकारी कागज लगता है नंदू। अग्रीमेंट है बेबे। कैसा अग्रीमेंट? जस्सी और अरमान के बीच प्रीनुपचर। वो क्या होता है? ये तो, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, बता तो सही। अरमान और जस्सी के बीच में अग्रीमेंट बनाया हुआ है, ये तो गलती से मेरे पास आ गया। अरमान ने मुझे ये नहीं दिया था। अरमान और जस्सी अगर कभी अलग हो गए तो सारे पैसे, सारे प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा, इस चीज़ का अग्रीमेंट है। शादी से पहले अलग होने का अग्रीमेंट कर रहे? देखिए, अमेरिका के अमीर लोगों में तो ये सब होता रहता है, पर अरे भाड़ में जाए अमेरिका में जो कुछ भी होता है, उन्होंने उन्होंने इसे सोच कैसे लिया? सोचा ही नहीं है बेबे, एक एक पैसे का एक एक चीज का तय कर लिया कि क्या चीज किसको जाएगी, बस अब साइन होने बाकी है। अरमान और जस्सी अगर कभी अलग हो गए तो सारे पैसे, सारे प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा, इस चीज का अग्रीमेंट है। बाबा जी, ये सब क्या हो रहा है? अरमान तो इतना अच्छा लड़का है, ऐसे सोच भी कैसे सकता है कि चीची शादी से पहले तलाक की तैयारी। बच्ची रुमाल तो रख लिया है ना आपने? और सुनिए, पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, हम लोग ज्यादा किसी से बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करूंगा बात, मैं तो लड़की का बाप हूँ, सबसे ज्यादा बात करूंगा, है ना बेबे? जस्सी, क्या हुआ? मैं अच्छी नहीं लग रही? अरे बेटा, तू तो इतनी खूबसूरत लग रही है कि आज अगर अरमान लेट आए ना तो तू देखना सैकड़ों लड़के तेरे पीछे सगाई करने को भागेंगे। पापा जी, आप ही ना, बस कैसी बातें करते हैं आप? अब तो भाई ऐसे ही है, अब चलो जल्दी करो, जल्दी करो, आ जाओ अमृत, आ जाओ। जस्सी बेटा, तूने अच्छी तरह सोच समझ लिया है ना? किस बारे में बेबे? यही कि अरमान ही तेरे लिए सही आदमी है। बेबे ये आप क्या कह रही हैं? आप तो जानती हैं ना कि मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन जैसे जैसे समय करीब आता जा रहा है वैसे ही डर भी बढ़ता जा रहा है। उन लोगों की दुनिया बिल्कुल अलग है बेटा, तो वहाँ बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि तू एक बार फिर से सोच ले। बेबे मैंने अरमान से प्यार सोच समझ कर नहीं किया था, अरमान से प्यार करना मेरी तकदीर में था बेबे, और आगे भी जो होगा ना वो मेरी तकदीर ही तय करेगी। आइए आइए, नमस्ते। नमस्ते जी। वेलकम बेटी, वेलकम। हेलो बेटा।
थैंक यू सो मच। आंटी वो क्या सोच रहे हो ब्रदर? सिस्टर, आज के दिन और आज के मौके पे कोई आदमी भला क्या सोच सकता है? इस इमोशनल मोमेंट पर थोड़ी टेक्निकल बात करूं? क्या है? मैं तो कहती हूँ जितना जल्दी हो सके इस प्रीनप अग्रीमेंट पर साइन कर लो। वो क्या है कि एक बार एंगेजमेंट हो गई ना। सिस्टर, इस वक्त ये काम बिल्कुल जरूरी है क्योंकि फिलहाल मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है करने को। हाँ, पर एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज? थैंक यू। जैसी, ये गाना तुम्हारे लिए सीधे मेरे दिल से। जस्सी को जा। तो जा ना, बता दे जस्सी को जा। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। जस्सी मेरी बात सुनो। नंदू, एक सेकंड, मैं जस्सी को ले जाऊँ। मुझे तुम्हें कुछ बहुत खास लोगों से मिलवाना है। आओ। पर एक मिनट। नंदू, तुम्हारी दोस्त आज शाम की स्टार है। तुम नहीं चाहोगे कि सारे गेस्ट जस्सी से मिले? बाद में बात कर लेना। आओ ना जस्सी। मैं भी आऊं। ब्रदर, मुझे पता है ये करेक्ट मौका नहीं है, पर मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। अगर जस्ट एंजॉय द पार्टी, पार्टी एंजॉय करो, लेट्स डू, बल्ले बल्ले। अरमान, तुम्हारे बीच में सिर्फ प्यार होगा, सिर्फ प्यार। अगर जस्सी तुम्हारी जगह होती ना, तो ये पेपर फटाफट साइन कर ले, ठीक है? मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी हूँ? मैं तो सिर्फ जस्सी की भलाई चाहती थी। अगर तुम्हें जस्सी से प्यार नहीं है, तो मैं अपनी जान क्यों मारूं? अंजलि, तुसी ग्रेट हो, बल्ले बल्ले। यही लम्हा है मंजिल मेरी, पूरा आज वो दिन आ गया है जब मैं तुमसे किया हुआ वादा पूरा करने जा रहा हूँ। मैं अपनी दोस्ती निभाऊंगा पूरा, तुम्हें हारने नहीं दूंगा, तुम्हारे प्यार को हारने नहीं दूंगा मैं। आई प्रॉमिस यू, मैं जा रहा हूँ तुम्हारी जस्सी को उस अरमान से बचाने। जस्सी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।